मेरे पास डबल डिग्री है जी। लेकिन आपके चेहरे पे सिर्फ डेढ़ खिड़की है। मेरी फूलों की दुकान है, मैं फूल की तरह आपको रखूंगा। आप जाके किसी फूल वाली से शादी कीजिए। आप पहलवान हैं? मेरा बाप पहलवान है। आप जाकर कहीं मालिश कीजिए। मेरे बारे में इना पुड़चिरका चुम्माइरो। सुनिए जी। सुनाइए जी। आप बहुत गिद्दे और दुबले हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला है शादी के बाद मैं लंबा और मोटा हो जाऊंगा। आप किसी डॉक्टर से शादी कर लीजिए। सुनिए, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बारे में मेरा ये ख्याल है कि आपकी आवाज बहुत पतली है। इस आवाज के बारे में आपका क्या ख्याल? खत कबूतर किस तरह ले जाए बामियार पर कतरने के लिए हैं कैंचियां दीवार पर। जवाब है कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बामियार पर, खत का मजमू हो परों पर कटे दीवार पर तालियां। क्यों, क्या ख्याल है? आवाज अच्छी है। और शक्ल? ठीक है, मगर कद कुछ लंबा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, आवाज और शक्ल मेरी ले लीजिए, कद इनका ले लीजिए, मोटाई इनकी ले लीजिए, सबको एक बक्से में डालिए और हिलाइए, आपके मतलब का आदमी बाहर निकल आएगा। आप समझती क्या है अपने आप? मंगेतर पसंद करने आई हैं या तरकारियां खरीदने आई हैं? ये लंबा है, ये छोटा है, ये काड़ा है, ये मोटा है। अरे 10 मिनट बैठिए हमारे साथ, इतनी बुराइयां निकालूंगा आपकी, खुदकुशी कर बैठेंगी। चुप रहिए। आप चुप रहिए, हम सबको अपने घर बुलाकर अपमान करती हैं हमारा। इधर आइए साथियों। साथियों, ये हमारा अपमान है, मर्द जात की बेइज्जती है। एक औरत ने दौलत का सहारा लेकर हम मर्दों की इज्जत का उड़ाया है मजाक। इससे पहले कि ये हमें फेल करें, हम इन्हें फेल करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर एक मंगेतर मंगेतर यूनियन। हाँ, यूनियन, एक मंगेतर यूनियन बनाएंगे। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐसी मगरूर और घमंडी लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इनके गुरूर को खाक में मिलाएंगे। बोलो मजदूर। मंगेतर यूनियन। मंगेतर यूनियन। अरे मंगेतर यूनियन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ताना शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे रीटा रानी हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कंस को खाओ, कंस को लगो, ना एक लड़की लौटा दिया ना सबको, निकाल दिया ना सबको बेइज्जत करके। मैं जानता था तू यही करेगी, अपनी मनमानी करेगी, मेरा अरमान कभी पूरा नहीं होने देगी। मैं मर भी जाऊंगा। दादाजी छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा पर तू अपनी जिद पर कायम रहेगी, जो जी मैं कर जा। और सुन ले, आज से मैं तेरा कोई नहीं, तू भी मेरी कोई नहीं, ना मैं तेरा दादाजी। अरे रामजी, दादाजी छोड़ मुझे। लाल प्यार से इतना बड़ा किया, उसका आज ये फल मिला। रीटा, भगवान के लिए अपनी जिद से बाज आओ। राय साहब की हालत देखी, अगर उनको कुछ हो गया तो सारी दुनिया क्या कहेगी? यही ना कि एक पोती ने अपने दादाजी की जान ले ली। कहने दीजिए, मैं क्या सारी दुनिया के लिए टेढ़े मेढ़े कंडे तिरपट हकले बकलों में से किसी को अपनी जिंदगी का साथी बना लूं? अरे भाई, तुम्हें ऐसा करने को कौन कहता है? फिलहाल तुम्हें शादी नहीं करना है, शादी का नाटक तो कर सकती हो ना। नाटक? हाँ हाँ, शादी का नाटक। मैं समझी नहीं। सुनो, वो जो भर्राई से आवाज वाला लंबा सा लड़का, अरे जो बहुत भाषण देके गया अभी, वो अकड़ू। सुनो तो, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा एक्टर है, 24 घंटे उस पे ड्रामे का भूत सवार रहता है। तो मैं क्या करूं? लेकिन उसके पास ड्रामा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम उसे थोड़ा सा पैसा दे दो तो खुशी खुशी तुम्हारे किराए का पति बनने का नाटक कर लेगा। दादाजी खुश हो जाएंगे
और इसी बीच तुम अपने पसंद का लड़का ढूंढकर शादी कर लेना। किराए का पति? क्या कहा? किराए का पति? असंभव, असंभव। हजारों लड़कियां हमारे घर के बाहर घास लेट की लाइन की तरह हमें पति बनाने के चक्कर में खड़ी रहती हैं, और तुम हमें पति बनाने के बजाय वनस्पति बनाना चाहती हो। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। मगर मेरी बात तो सुनिए। कभी नहीं, कभी नहीं। हम एक 12 फुट लंबा लोहे का सलिया इस कान से डालकर इस कान से निकाल देंगे, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। ये तो तुम्हारी ये मजाल कि एक कलाकार को किराए का पति बनाना चाहती हो, ये तो हमारे पकड़िए, ये तो हमारे लिए पानी में डूबने वाली बात है। अम्मा सुनिए, सुनिए। ओह डैम, ये तो बहुत ही घमंडी है, बट आई एम हेल्पलेस। देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, बल्कि मैं फरियाद लेकर आई हूँ। कहो फरियादी, क्या कहना चाहती हो? माँ बदौलत तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए बेचैन। देखिए मेरे दादा मुझे अपनी जायदाद से अलग कर देंगे। हम खुश हुए। मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, कोई परवाह नहीं। और उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। और तुम उन्हें धोखा देना चाहती हो, वो भी एक कलाकार के हाथों। ये तो हमारे लिए दोबारा डूब मरने वाली बात हो गई। अम्मा अजीब आदमी है, पिक्यूलियर। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये क्या, अभी पानी में गया था, अभी बाहर खड़ा है। ये आदमी है या भूत है? सुनिए, उठेरिए, सुनिए। फरमाइए। आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? हमने ये सोचा है कि इस बारे में सोचना सोचने की तौहीन है, इसलिए हमने सोचना छोड़ दिया है। प्लीज, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। और तुम्हें जिद का बुखार है उस्ताद। क्या बोले बड़े भाई? अरे एक खूबसूरत लड़की इतने प्यार से मना रही है, तो मान जाओ। अरे गुस्सा थूक दिया अभी। ऐसा ठीक है, तू बोलता तो मान जाता हूँ, गुस्सा थूक देता हूँ, वरना तुझे तो मालूम है अपने पास थूकने के लिए भी टाइम नहीं है। लड़की, सॉरी लड़की, हम आपकी मजबूरी पर गौर करने पर मजबूर हो गए हैं। सुनाइए आपकी मजबूरी क्या है? बस बस बस, शॉर्टकट में बात कीजिए। आपका मतलब यह है कि इस वक्त हम पेरिस में हैं? ठहरो लल्ला, ठहरो। इसका क्या मतलब होता है? कैसे नौजवान हो, इशारा भी नहीं समझते, इसका मतलब क्या होता है? मालूम नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा करने से लड़के लड़कियों को मुफ्त सवारी देते हैं। जाना कहाँ है? सूरज कुंड, वहाँ मेले में मैं नाचने जा रही हूँ।